कंप्यूटर में, डिजिटल में एक्सपर्ट है, वो कुछ भी बना सकते हैं। प्रशांत सुरडीकर को अमिताभ बच्चन बना सकते हैं, कुछ भी कर सकता है कंप्यूटर पे, वो एक आर्ट है उसके पास। दूसरी बात, 400 किलो की मोटर बाइक है उसकी, कितने किलो की, अगर वो गलती से गिर गई पाव गया, कौन सी कंपनी है वो, अमेरिका की हार्ले डेविडसन, और वो खिलौने के जैसा चलाता है उसको। यू नो इज अ बेसिकली नॉट अ इंश्योरेंस प्रोफेशनल, इज अ कलाकार। गाना किसने किसने उसका लाइव गाना फेसबुक पे सुना है, कुछ लोगों ने तो जरूर सुना होगा। यस, गाता है कराओके पे और लाइव भेजता है, यू नो द इज लिविंग लाइफ, उसको देख के एनर्जी आती है। जब उसके पिताजी, मैं काफी जूनियर था तभी, जब पिताजी सीनियर थे मिस्टर बार्टक के, तो एजेंट थे वो, वाज डूइंग एमडीआरटी मे बी और मे नॉट आई डोंट नो, बट जब ये मुझे मिला ये एमडीआरटी करता था, कड़क कपड़े स्टाइल एकदम मस्त। मैंने उसको बोला देख एमडीआरटी कर रहा है लेकिन तू सीओटी करना चाहिए, सीओटी किया, फिर बोला मेरे को फॉर्च्यून मेकर में स्पीकर बनना है, फिर आपने उसको स्पीकर भी बनाया, तो मैंने बनाया, पता नहीं देखना पड़ेगा। तभी उसकी वाइफ को पता चला कि ये सीओटी सीओटी बड़ा घूमता है पनवेल में बाइक लेके, लेकिन ये तो मच्छर है, इधर तो कितने तोपचीन सीओटी और टीओटी नाम की कुछ चीज है। मैंने उसको बराबर क्या मारा, पिन। लास्ट ईयर ही फिनिश्ड हिज टीओटी अक्टूबर। मैंने चुन चुन के लाया है इधर नमूने के, चुन चुन के, हम एलआईसी एजेंट नमूने है, वेरी डिफिकल्ट पीपल टू हैंडल, यू नो, इगोइस्टिक एम्बिशियस, मैंने बताया ना, लाइक वेरी डिफिकल्ट, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी सोचते हैं। और इतने नहीं दोस्तों, हर किसी को एजेंट को लाइफ में एक बार वो गाड़ी हमारा पास होना चाहिए जिसका नाम है मर्सिडीज, और ये हमारा दोस्त का पास दो दो मर्सिडीज है आज का तारीख, वो भी ई क्लास, मेरे पास एक है तो मैं बड़प्पन करता हूं, ये दो है। चलिए ज्यादा वक्त नहीं बिताता हुआ, आपका बीच में आने वाला स्पीकर श्री 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 जिंदगी एक सफर है सो आना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सो आना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो कितने जाना, आपने अभी सुना, इन्होंने अभी जितना बताया ना, इससे 10 गुना ज्यादा इनका पास मटेरियल है। सतीश जी पहला सवाल। सबसे पहले ज्यादा सबसे खुशी मुझे क्या होती है कि हमेशा हम देखते हैं तो इसकी एजेंसी को 30 साल हो गए, इसकी एजेंसी को 40 साल हो गए, ये यंग जनरेशन जब आती है ना तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है कि नए जमाने के लोग भी आ रहे हैं। और पर्टिकुलरली प्रणील के बारे में मैंने ऐसा सुना कि ये बार इसने जो टीओटी किया है सिर्फ 12 पॉलिसी में किया है। जोर से तालियां प्लीज। एंटायर टीओटी टॉप ऑफ द टेबल ओनली 12 पॉलिसी, वो कैसे किया जरा बताओ। ओके दोस्तों, तो मैंने आपको एज पर बताया कि हमारा इनकम बहुत बड़ा है, मगर वो प्रोफेशन के हिसाब से हमें बिहेवियर भी करना चाहिए, हमारा कॉस्ट्यूम, हमारा सब कुछ।
जब मैं एच एन आई के पास जाता हूँ, कोई भी एक्स वाई जेड में अगर मैं कोई सिलेक्ट करता हूँ कि भाई पनवेल में मेरे एरिया में ये सब बड़े लोग हैं, मुझे उनको मिलना है, तो पहले मैं उनका टोटल प्रोफाइल डाउनलोड कर लेता हूँ, लिंक्डइन, फेसबुक, जहाँ भी मिले उसके आजू बाजू वाले नेबर, फेसबुक में उसको फ्रेंड्स देख के, उसके फ्रेंड्स को पूछ के मुझे पास डाटा आ जाता है। वो क्लाइंट के पास मिलने के बाद मेरा रेगुलरली एक शीट है वो दिखाता हूँ, मैं उसको एक ही सवाल पूछता हूँ, सर आपका इनकम कितना है? अगर आरके जी मेरे क्लाइंट है, एच एन आई है, एक पकड़ के चलो आज इनका इनकम पकड़ लो 5 लाख रुपए पर मंथ है, ठीक है एवरेज। सर आपकी जो फैमिली है, ओके, आज 2019 है, आज वो कौन से स्टेज में? आपको 4 स्टेज बताता हूँ। पहली स्टेज है लग्जरी, ओके, दूसरी स्टेज है कम्फर्ट, ओके, तीसरी स्टेज है पुअर, ओके, चौथी स्टेज है चैरिटी। आपकी फैमिली कौन से स्टेज में है? फर्स्ट स्टेज पे लग्जरी। दोस्तों आपकी भी सबकी फैमिली लग्जरी में है, शायद कंफर्ट में रहेगी, बराबर है सर? ये जो आपका इनकम है, ओके, जो आपके पास आ रहा है, जो कि आपकी फैमिली आज लग्जरी में है, इन केस कुछ भी डिसेबिलिटी आ जाती है या फिर आप काम नहीं कर पाते हो, अब आपकी फैमिली का स्टेटस क्या है? लग्जरी, कंफर्ट, पुअर और चैरिटी। शायद वो कंफर्ट से भी नीचे हो जाएगा शायद, और हमारी कितना भी दुनिया का बादशाह होने दो, उसके पास वो कितना भी गाड़ियां होने दो, रौनक शौनक होने दो, जब वो जाता है लाइब्रेरी छोड़ के जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो सिद्धार्थ को सुसाइड करने की जरूरत नहीं थी। 4000 करोड़ का मालिक, उसको सुसाइड करना पड़ा और मैं सिर्फ 60 लाख वाले के पास बैठा हूं। ये जब है तब तक इसका इनकम अच्छा है, मगर जब नहीं है तो फैमिली के पास दो ही ऑप्शन है, एक तो उसकी कंपनी चलाए या फिर पुअर और चैरिटी, दूसरों के सहारे जिए। सर आप चाहेंगे कि आपकी फैमिली चैरिटी में जिए? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। और हर एच एन आई को के पास एक चीज रहती है जो हमारे फायदे की, क्या? नहीं, ईगो। हर एच एन आई के पास क्या रहती है? ईगो। सब कुछ करना, अपना ईगो हर्ट नहीं करना, आप उसका ईगो को हर्ट करो। सर इन केस समथिंग गोज रॉन्ग तो आपके फैमिली को कौन चैरिटी करेगा? पूछो बिंदास, नहीं नहीं बाटी की ऐसा कोई जरूरत नहीं है। सर आप वही देख रहे जो प्रेजेंट है, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं, शायद वो फ्यूचर हो। अरे वो मुझे एक ही पूछता है, तेरे पास कुछ सोल्यूशन है? बोले है सर, मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं आर के जी, मुझे इंटरेस्ट है ये मशीन से, ये एटीएम से। इसका जो आउटपुट कितना है? 60 लाख। सर मुझे इसकी वो 60 लाख जो आउटपुट है ना मशीन का, उसका इंश्योरेंस निकालने दो, क्योंकि वो 60 लाख में से आपका रिटायरमेंट लाइफ है, बच्चों की शादियां है, आपके बहुत सारे सपने हैं, इनके सब डिसेबिलिटी हो जाती है, डेथ हो जाता है, मेरी कंपनी आपको 60 लाख लाइफ टाइम ला के देगा। बोलते मेरा पॉलिसी नहीं लेना है, क्या जरूरत है? आपका इंपॉर्टेंस है, आप तो ये बॉडी है सिर्फ, इंपॉर्टेंस वो इनकम का है जिसको लोग सलाम करते हैं, तो मैं इनकम का ही करता हूं। और यही बात मेरे मेरे क्लाइंट से कही, उसने बोला तो कितना होना चाहिए मेरा? मेरा सर आप बताओ कि आपका स्टेटस कितने लेवल? यस सर, वेरी गुड, थैंक यू प्रणील, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल टॉक ऑफ योर्स। जी मैं प्रणील जी से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, एकदम शॉर्ट में जवाब दीजिए। आप इतना कुछ कुछ करते हैं प्रणील के बारे में, वेरी वेरी ही इज वेरी क्लोज टू आवर फैमिली, वो इतना कुछ कुछ करता रहता है, गाना गाता है, लावड़ी डांस करता है, बेली डांस करता है, बाइक्स तो चलाता है, बहुत सारा कुछ करता है, बिजनेस भी इतना कर लेता है, ये सब टाइम मैनेजमेंट, फैमिली को भी पूरा टाइम देता है, पूरा मीन्स आउट ऑफ इंडिया घूमना, इंडिया में घूमना, बहुत कुछ करता है, लड़का अच्छा है, एनर्जेटिक है, यू यंग है, लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट कैसे करता है और क्यों करता है? यस yes.